कई सालों बाद इवन मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री में तो 18 साल बाद ये हो रहा है और हमारी हिस्ट्री में तो विद इन लाइक वी टॉक अबाउट इन लास्ट थर्टी गेम्स ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और uh, हांसी फ्लिक के आरा में और हांसी फ्लिक के आरा तो नहीं बोलूँगा बट हांसी फ्लिक के टाइम में ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और मैंने क्या देखा ये ये क्या देखा एक लम्हे के लिए लगा कि ये हांसी फ्लिक नहीं ये प्राणी और ये बालक और ये शख्स हांसी फ्लिक नहीं ये रोनल्ड कोमैन है समझ से बाहर क्यों क्या कैसे बहुत सारे सवाल जवाब कोई नहीं डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए और डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आए लोगों के पर आई वाज एब्सोल्युटली गटेड एंड एब्सोल्युटली यू नो शैटर्ड अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट रेफ डिसीजन वाज देयर वाज इक्वली देयर आई डोंट इवन नो इन वट सॉर्ट ऑफ अ माइंड अ पर्सन वुड गिव अ रेड कार्ड ऑफ सच टैकल कोई अटैक नहीं बन रहा था कोई इतना क्रिटिकल टैकल नहीं था बस वो एक एक था अगर इस पूरे गेम में कोई रेड कार्ड बनता है और बनता था तो वो रेड कार्ड ये जेराड मार्टिन ने जो यागो आसपास को टैकल दिया था वो उसकी जगह पे बनता था जेराड मार्टिन वाले वाले टैकल के ऊपर मैं मुझे लग रहा था कि ये शायद रेड दे देगा लेकिन ऑब्वियसली रेफ बीइंग रेफ उसको पता था कि ये जेराड मार्टिन को रेड कर दिया तो टीम को कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वोट एवर वॉज गोइंग ऑन इन इज हेड बट वो एक टैकल था जो कि जिसपे यागो पास यागो आसपास छाती पीट पीट के रो रहा था दैट फेल्ट लाइक अ रेड कार्ड फॉर अ मोमेंट बट ये टैकल कहीं से रेड कार्ड नहीं था पर क्या ये हार रेड कार्ड की वजह से हुई क्या ये हार जूल्स कुंडे के एरर की वजह से हुई बहुत सारे सवाल इस इस एक गेम के ऊपर उठते हैं और बिना लमीन यमाल के ये बार्सोलोना इतनी ज़्यादा इरेलीवेंट और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों लग रही है कि ये पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी अपोजिशन को उस तरीके से चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जिस तरीके से ये पिछले गेम्स में कर रहे थे तो देखा जाए तो जूस कुंडे की मिस्टेक इज डेफिनेटली देयर कसाडो को इतना क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कसाडो हैड अ वेरी कसार्डो गेम उसने अच्छा गेम खेला लेकिन एक सवाल यहां ये उठता है कि फ्रेंकी डियोंग के पिच पे आते ही एक इमेज ये बन रही है कि ऐसा लगता है चावी का एरा वापस आ गया चावी के टाइम की फुटबॉल वापस आ चुकी है और फ्रेंकी डियोंग अगेन स्टार्ट टेकिंग टर्न्स एंड ही बिकम्स फिजेट स्पिनर एंड बे ब्लेड बॉल पे घूमना शुरू कर देता है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग एड एंड कैरिंग द बॉल डायरेक्टली फॉरवर्ड सत्तर मिनट तक हमने इस गेम में कंट्रोल रखा सेवेंटी फाइव मिनट तक अराउंड लाइक सेवेंटी एट मिनट तक हमने कंट्रोल रखा बट अगेन एक माइनर सेकेंड के हजारवें हिस्से की गलती जो कसाडो ने की उसके ऊपर एक रेड कार्ड आया और 80 मिनट पे हमें रेड कार्ड होता है कि एट्टी टू मिनट पे रेड कार्ड कार्ड होता है और एट्टी फोर पे हम पहला गोल खाते हैं डिफेंस सो रहा है टीम फोकस नहीं कर रही है और एट्टी सिक्स पे हम दूसरा गोल खा लेते हैं और दोनों उन प्लेयर्स से गोल खाते हैं जो कोई इतने फॉर्म में भी नहीं चल रहे सल्टा वीगो के लिए एक्स बार्सोलोना प्लेयर आ, एलेक्स मोरेबा मार्कस अलोंजो और ऑस्कर मैंगेजा मैंगेजा ने तो ऑबियसली उसके दो एरर्स ने हमें दो गोल दिए दोनों में वो इन्वॉल्व था पुअर डिफेंडिंग थी उसके अंदर फॉरवर्ड जाते हुए और वर्क रेट में ही इज गुड बट डिफेंसिवली ही इज नॉट दैट गुड बट वो दो एरर्स थे जिसके ऊपर हमने गोल मारा क्रिएटिविटी कोई इतनी खास फिर भी नहीं थी अगर देखा जाए हम देखें अगर पैदरी जो सेंट्रल पोजीशन में फ्री रोम नंबर टेन पे पैदरी इज नॉट दैट अफेक्टिव इनिशियली सीजन के अंदर पेडरी वॉज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड दैट्स वेयर ही थ्राइव ये चीज हमने बहुत बार देखी है ही वी पुट हिम अबव एंड वी पुट हिम एट यू नो इन अ पोजिशन जहां उसको सेंट्रल एरिया के अंदर ऑपरेट करना होता है एज अ फ्री रोम ही इज नॉट दैट अफेक्टिव और आज की गेम में भी यही हुआ डेन यू ऑलमोस्ट सीन लॉस्ट सीम लॉस्ट वो भी बात वही आ गई कि वो जो लोकेशन डेनी ऑलमो इज मोर इफेक्टिव ऑन ऑन द सेंट्रल प्लेस लेकिन इन सारे प्लेयर्स को अफेक्टिव बनाने में एक इंसान और एक लड़के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो है लमीन यमाल जब लमीन यमाल हमारे पास राइट साइड पे अवेलेबल होता है वो दो बंदे इजिली अट्रैक्ट करता है अपने ऊपर देर आर ऑलवेज टू गाइड ऑन हेम इज ऑलवेज यू सी के कभी भी वन बी वन में नहीं होता वो दो बंदे मार करते हैं दैट नैचुरली क्रिएट स्पेस फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम और जब रेस्ट ऑफ द टीम के पास स्पेस होती है फिर डेनी ऑलमो पैदरी जैसे लड़के और ज्यादा थ्राइव करते हैं लेवन ने एक दो चांसेस फर्स्ट हाफ में इतने गंदे मिस किए और उसने इतने लूज प्ले खेला बिना फजूल में बॉल कैरी करने की कोशिश की एक फ्रेंक डी वो बॉल कैरी कैरियर है लेकिन वो कैरी नहीं करता एक लेवन डॉस्की है जिससे बॉल कैरी होती नहीं है और वो कोशिश कर रहा होता है वो भी इस किस्म के गेम्स के अंदर मतलब सेल्टा सेल्टावीगो के होम पे ये रिजल्ट लाना मतलब इट्स इट्स नॉट दैट बैड इस किस्म के जो रिजल्ट होते हैं जीतते जीतते जो ड्रॉ होता है वो हार जैसा ही दर्द देते हैं तो है, बे। दोस्त जो कि स्टेडियम सल्टाविगो का होम ग्राउंड है यहां पे ऐसा रिजल्ट लेना अगर आप देखो तो ठीक है नॉट दैट बैड कह सकते हैं क्योंकि आप ड्रॉ कर रहे हो लेकिन ये ड्रॉ जो कि हाथ की बिंदी रोमन टाटा हुआ छ मिनट के अंदर और रेफ ने कितने सारे पुअर डिसीजन और टेरेबल टेरेबल डिसीजन दिए मतलब वो चीज तो क्वेश्चनेबल है ही लेकिन क्या रेफ का डिसीजन इस चीज में हमारी हार या हमारे इस पुअर रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबल है नहीं बार्सोलोना बीन लुकिंग लॉस्ट एज आई सेट इन माई लास्ट वीडियो एक अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ प्ले और जो क्रिएटिविटी थी वो डेड हो चुकी है हांसी फ्लिक का डायरेक्ट प्लेइंग स्टाइल वो डेड हो चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हेक्टर फोर्ट या फिर आम, क्या नाम है ये जेराड मार्टिन ये क्या कर रहे हैं जब बाल्डे अवेलेबल था तो बाल्डे ने क्यों नहीं स्टार्ट किया और अगर स्टार्ट कराना ही था तो हेक्टर फोर्ट को स्टार्ट करा देते ना भाई आपने जेराड मार्टिन को मतलब आई रियली वोट सी दिस गाय इन ट्रेनिंग मैं देखना चाहता हूं कि जेराड मार्टिन क्या करता है ऐसा ट्रेनिंग में ही मस्ट बी प्लेइंग लाइक सम प्राइम मार्सेलो और रोबर्टो कार्लोस भाई या आई डोंट इवन नो लाइक प्राइम अबिदाल वो वो, वो इज जेराड मार्टिन इन द टीम कोई एक शुरू के गेम में सात बार उस डिस्पोज़ेस हुआ ये लेफ्ट बैक की पोजीशन से बॉल रिकवरीज नहीं कर पा रहा था अर्ली येलो कार्ड भी लिया फर्स्ट हाफ में इसने Why the the fuck is he in in, in the starting lineup? I don't even know उसको कुछ तो ट्रेनिंग में दिख रहा होगा really, like, से हम पे फाउल और जिस तरीके से हम पे अटैक कर रहे थे वो मतलब वो नजर आ रहा था दोनों टीमों ने शिट गेम खेला है सेल्टाविगो का तो गेम देख के लग रहा था कि उन्होंने हु बहू छापा मारा रियाल सोसिडा के पैटर्न का रियाल सोसिडा ने हमें किस तरीके से हराया और वही पैटर्न उन्होंने रखा और कंजेकेटिवली रखे रखा छोड़ा नहीं उन्होंने वो स्क्रिप्ट और वही हुआ एटी के बाद हमने चार मिनट में दो गोल खा लिए अब रियल रियालिट इज वन पॉइंट अवे लाइक इफ दे दे हैव टू गेम्स इन हैंड अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उनका गेम स्टार्ट होने वाला है तो मतलब इफ दे एंड ऑफ विनिंग दिस गेम एंड द नेक्स्ट गेम दे आर वन पॉइंट बिहाइंड अस एंड बिहाइंडलासिको और जो अल क्लासिको हम जीते इट वॉज फॉर नथिंग कोई वैल्यू नहीं रही उस साल क्लासिको की क्योंकि अगर एट द तो you know, uh, मतलब दोनों एक मेरा स्पैनिश लव जो मेरा क्लब है बार्सिलोना और दूसरा मेरा फेवरेट स्पैनिश मैनेजर जो पेप गार्डोला है दोनों की uh, जो है ना कुंडलियों में शनि का जो सितारा है ना वो फुल छाया हुआ है फुल शनि के बादल छाए हुए हैं उधर वो 18 साल बाद पांच गेम लगातार हार रहे हैं और पूरे प्रीमियर लीग सेलिब्रेट कर रही है मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तो खास तौर पे, लाइक इज सेलिब्रेटिंग देयर लॉस ऑफ बी अबाउट कि उनकी फॉर्म का आगे क्या होगा मतलब जितना भी बुरा सिटी कर ले चैंपियंस लीग पोजिशन तो नहीं छोड़ने वाले ना वो तो चैंपियंस लीग पोजिशन में तो रहेंगे यहां वो क्लब सेलिब्रेट कर रहे हैं जो मतलब जिनको मौका मिल गया ना तरसे हुए थे पेप पैपगाडोला का भी मेजर क्राइसिस है

फर्स्ट हाफ भी बारसा का कोई इफेक्टिव नहीं था, बट सेकंड हाफ में तो वो लोग क्लियर आउट की तरह पे देखा जाए, को, तो उनका भी अप प्ले बिल्कुल फारिक था बॉल रखी नहीं जा रही थी टॉटरम ने पे आके चमाटे रसीद किए को पकड़ के वॉकर सो रहा था वॉकर फेल ड्रंक उसका तो हनामी का डोप टेस्ट करो मतलब इस वक्त शीद क्राइसिस का शिकार है और ही सेम है इस का स्क्वाड बहुत थिन है बजट है नहीं साइनिंग्स कर नहीं सकते तो ये किस तरीके से आगे को, कोप अप करेंगे इस इंटेंसिटी को प्लेयर टायर्ड और फटीग्ड ल, लग रहे थे अभी इस गेम के अंदर खतरनाक ट्रेनिंग रिजीम अगर मैं बात करूं गावी वाज अ शाइनिंग स्टार इन दिस गेम गावी ने बहुत अच्छा इनाकी पीनाबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है लाइक द वे ही रश इज आउट ऑफ द बॉक्स डेंजर को रीड करके और जिस तरीके से ही सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द शॉर्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द बॉल दैट्स रिमार्केबल इनाकी पीना मतलब मैन ऑफ द मैच प्रॉब्लम इस गेम का हो सकता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी सात आठ सेव्स थी उसकी यार

आप थोड़ा यू नो पुश योर मैन बिहाइंड पीछे कर लो उनको pull them back, बोलो जरा कर जाओ, मिनट मिनट है सेकंड से ज़्यादा ने बॉल नहीं रखी और इंस्टेड ऑफ सबिंग ऑफ पैदरी उसको कसाडो को सब करना चाहिए था क्योंकि कसाडो थका हुआ भी लग रहा था उसको कार्ड भी हो चुका था कुछ गलतियां हांसी फ्लिक की भी हैं अब हमारे पास अब हमारे पास ब्रेस्ट खड़ी पड़ी है तीन दिन में हम ब्रेस्ट दबा द, 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 ब्रेस्ट

लेकिन सीजन बहुत बड़ा है अगर अभी लमीन यमाल को रिस्क कर लिया तो आगे जो क्रूशल गेम आने वाले हैं जो मस्ट विन गेम्स हैं उसमें क्या होगा तो हम अभी उसको रिस्क नहीं कर सकते तो बार्सोना टू लाइन अप विदाउट लमीन यमाल और ब्रेस्ट चैंपियन लीग टेबल में टॉप फोर पे द डूइंग गुड इन इन आ, 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 इन दैट ऊबर इट लीग वो आ, फ्रेंच लीग एज वेल तो बहुत क्रूशल टाइम है बार्सरोना के लिए आगे सिटी के लिए तो क्रूशल टाइम है ही एंड आई एम वेरी ग्लैड

वेरी गुड डिसीजन जो हमने गुंडूगान को हम अपने यंगस्टर्स को प्रोमोट किया तो आज गुंडूगान के होते हुए डिब्रोइने के होते हुए हालैंड के होते हुए फिलफोर्डन के होते हुए हम देखे तो सिटी इस टाइम बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही है तो सिटी अपने इशूज आगे सॉर्ट आउट कर सकेगी या नहीं ये भी एक सवाल है बार्सिलोना के लिए आगे बहुत टफ टाइम आ रहा है अगर बार्सोलोना को आगे कुछ अचीव करना है तो उनको अपनी इस लमीन या माल डिपेंडेंसी के ऊपर कंट्रोल लाना होगा और दे माइट हैव टू दिस वन मोर सजेशन दैट दे माइट हैव टू यू नो स्ट्रेंथन अप द स्क्वाड विथ सम न्यू साइनिंग कोई एक बहुत एक्सपेंसिव नहीं बट एक डिसेंट साइनिंग जैसीगो मार्टिनस टाइप की की थी एक दो की जरूरत है वरना बार्सिलोना इज गोनाथ स्ट्रगल क्योंकि मिडफील्ड में फ्रेंकी डियोंग का वो चांद नहीं नजर आ रहा लेफ्ट विंग का ऑप्शन बिल्कुल फारे गए अंशु फाटी फिर से बिस्तर पे लेटा हुआ है फरन तौरस का कुछ नजर नहीं आता तो जो एक शुरू में हाइप थी अचानक से बार्सिलोना और गोन थ्रू एंड थ्रू इन दिस सीजन वो हाइप डल हो चुकी है रियाल मड इज सिटिंग एट जस्ट वन पॉइंट बिहाइंड अस विद टू गेम्स अभी टू गेम्स इन हैंड अगर दोनों जीत जाते

मैंचफ पीरियड ऑफ टाइम से वो गुजर रहे हैं इस वक्त शनि के बादल छाए हुए हैं देखते रहिए है, प्रीमियर लीग और लालीगा ये जानने के लिए कि क्या ये इस, इसको टर्न अराउंड कर सकेंगे आ, वेल दोनों ही मैनेजर्स ये कैपेसिटी और ये कैपेबिलिटी रखते हैं इस पूरे सिचुएशन को टर्न अराउंड करने का सो लेट्स सी आगे क्या होता है और आई डोंट नो आई डोंट नो मैं ब्रेस्ट वाले गेम के ऊपर क्या कमेंट करूं अभी आने वाला है उसके ऊपर प्रॉब्ली प्री मैच वीडियो करूंगा बट फॉर नाउ आई डोंट नो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो एंड या सपोर्ट एंड आई विल बी बैक विद द प्री मैच वीडियो फॉर द ब्रेस्ट गेम बाकी अभी एम टू फ्रस्ट्रेटेड आई डोंट इवन नो वेयर टू एंड अप एंड हाउ टू समराइज दिस